हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजियो विज्ञान। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, तो मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट हमारे एंकल जॉइंट बायोमैकेनिक्स की सीरीज के अंदर है, जिसमें कि एक जॉइंट होता है। और एंकल जॉइंट बायोमैकेनिक्स की सीरीज में हमने काफी जॉइंट्स कवर किए हैं, और ये हमारे एंकल जॉइंट बायोमैकेनिक्स की सीरीज का लास्ट टॉपिक है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट्स के बारे में कि वो कैसे फॉर्म होते हैं, उनमें कौन कौन से मोशंस होते हैं। उसके बाद हम फिर बात करेंगे अपने फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, जो कि मेन इंपॉर्टेंट वही है, फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, कि उसमें ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। फिर उसके बाद उनमें कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि काफी ज्यादा देखने को हमें मिलती है। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्या मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। तो मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट मतलब कि यहाँ पे नाम में लिखा है कि मेटाटार्सल्स है ना, जो कि अपनी पांचों मेटाटार्सल्स हैं, और फेलेंजेस मतलब कि डिस्टल मेटाटार्सल के जो हेड हैं, और फेलेंजेस प्रॉक्सिमल फेलेंजेस मतलब कि जो बेस ऑफ द फेलेंजेस है वो मिल करके क्या करेंगे, आर्टिकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे भी यही है कि जॉइंट बिटवीन द मेटाटार्सल हेड, ठीक है, जॉइंट बिटवीन द मेटाटार्सल्स के हेड एंड प्रॉक्सिमल फेलिंग्स, ठीक है ना, और जो फेलिंग्स है उसका प्रॉक्सिमल एरिया क्या है, बेस है ना, तो उसे उन दोनों को मिला के क्या बनता है अपना मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। अब यहाँ पे हम अच्छे से देखेंगे ये अपने क्या है, मेटाटार्सल्स है, ठीक है ना। अब ये मेटाटार्सल में ये जो है ये क्या है, अपना हेड है मेटाटार्सल का हेड, जो कि क्या है यहाँ पे क्या है, मेटाटार्सल का जो हेड है वो क्या होगा, कन्वेक्स शेप का होगा, ठीक है, और प्रॉक्सिमल फेलेंजेस का जो शेप है वो क्या होगा, कनकेव, मतलब कि ये जो हमारी प्रॉक्सिमल फेलेंजेस है जो कि टो साइड पे दो होती हैं, बाकी अदर फिंगर्स में कितने होते हैं, तीन तीन फेलेंजेस होते हैं, लेकिन यहां पे हम किसकी बात करेंगे, जो प्रॉक्सिमल फेलेंजेस है, तो प्रॉक्सिमल फेलेंजेस का जो बेस है अपना वो कैसा शेप का है, वो हमारा कनकेव शेप का है। तो यहाँ पे मेटाटार्सल का हेड और प्रॉक्सिमल फेलेंजेस का क्या, बेस मिल करके क्या बनाते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, और कौन सा जॉइंट बनाते हैं, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, ठीक है। अब ये किस टाइप का जॉइंट है, ये कंडाइलाइट साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पे है, दिस इज अ कंडाइलाइट साइनोवियल जॉइंट होता है ये। इसमें मोशंस कौन कौन से हैं, तो इसमें मोशन जनरली क्या होते हैं, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, है ना, दो ही मोशन होते हैं, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट्स में जो अपना क्या है, एक्सटेंशन है वो फ्लेक्शन से ज्यादा बड़ा होता है, एक्सटेंशन ज्यादा होता है, फ्लेक्शन उनमें कम होता है, ठीक है। और इनका सबसे ज्यादा हमारे फुट में इंपॉर्टेंट रोल क्या है, इंपॉर्टेंट ये फंक्शन क्या करता है, इनका सबसे ज्यादा मेन फंक्शन है हमारा क्या, वेट बियरिंग, है ना, टोज में जो हमारा वेट बियरिंग करते हैं, ठीक है ना, है ना, जब हम टो स्टैंडिंग करते हैं तो टो स्टैंडिंग के टाइम पे क्या होता है कि सारे के सारे जो बॉडी का वेट होता है इन मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट्स और टोज में पूरा पड़ता है, और ये इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है कि वेट बियरिंग का काम कराते हैं। तो हमें अभी क्या समझ में आ गया कि मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट में कौन कौन सी बोन्स हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, और वो उनका शेप क्या है, कन्वेक्स है ना अपना मेटाटार्सल, और कनकेव है अपना क्या, अपना प्रॉक्सिमल फेलिंग्स। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, कंडाइलाइट साइनोवियल जॉइंट बनाते हैं, और इनमें कौन कौन से मोशन होते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मोशन होते हैं, जिसमें कि एक्सटेंशन ज्यादा होता है, ठीक है। हमने ये अच्छे से देख लिया कि कैसे ये फॉर्म होते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, जो कि क्या होता है, टो साइड पे अपना होता है, ठीक है ना, ग्रेटर टो। अब उसमें फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट पे हम ग्रेटर टो में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि लिखा है इट हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। अब ग्रेटर टो का इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल क्यों है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां पे है कि इट एक्ट एज अ एनाटॉमिकल पुली। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि एनाटॉमिकल पुली की तरह कुछ वर्क कर रहा है, जिससे कि मसल्स को हेल्प हो रही है, ठीक है ना, एंड सेफ पैसेज, और बहुत ही सेफ पैसेज प्रोवाइड कर रहा है उन मसल्स को निकालने की, हम बात करेंगे किनकी। तो कौन से वो दो मसल है, फ्लेक्सर हिलिसिस ब्रेविस और फ्लेक्सर हिलिसिस लॉन्गस। कैसे, हमारे जो टो का प्लांटर रीजन है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे टो के प्लांटर रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टो के प्लांटर रीजन में क्या है, जो हमारा बोन है उसमें क्या है, दो सिसेमोइड बोन है, ठीक है ना, ये दो सिसेमोइड बोन है जो कि क्या करते हैं, अगल बगल से एक सेफ पैसेज। अब क्या है,
सिंपल सी बात यह है, समझना हमें यह है कि जैसे ये हमारी क्या है, ये बोन है, ठीक है। इसका प्लांटर रीजन में, प्लांटर रीजन से काफी सारी मसल्स निकल रही हैं, है ना। मसल्स का क्या, मसल्स क्यों वहां पे निकल रही हैं, जिससे कि प्रॉपर मोशन को करा सके, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि फुट को बार बार चलना पड़ता है, उसमें बार बार फ्रिक्शन होगा तो वो मसल्स घिसेंगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि ये बोन क्या होती है, सिसेमोइड बोन होती है। यहाँ पे दो सिसेमोइड बोन होती हैं जो कि क्या करती हैं, इन दोनों मसल के लिए एक पैसेज, एक पुली का रोल करते हैं। जैसे कि ये दोनों है तो यहां से मसल आसानी से निकल सकता है और बगल से भी, तो इसमें मसल के फ्रिक्शन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं ना। जैसे कि ये तो है, यहाँ पे दो सिसेमोइड बोन है तो यहाँ एक टनल टाइप का बन जाता है और उनके बीचों बीच अपनी मसल और साइड से मसल निकलती है, है ना। तो सबसे पहले अगर कोई किसी का ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें कि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है अपने टोज में, तो उसमें पहले अगर जाएंगी तो कौन जाएंगी, दोनों सिसेमोइड बोन घसेंगे, बाद में जाकर के अपनी मसल्स घसेंगे, है ना। लेकिन अगर ये सिसेमोइड बोन नहीं होता तो क्या होता, हमारी ये जो दोनों मसल्स हैं, फ्लेक्सर हिलिसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर हिलिसिस ब्रेविस, इनमें क्या होता, इनमें फ्रिक्शन होता और इनमें इन्फ्लामेशन होती और इनमें रप्चर होता, जिसके कारण से हमारे टो का फंक्शन सारा लॉस हो जाता। तो हम यहाँ पे ये पढ़ना चाह रहे हैं कि हमारे जो फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट है उसमें क्या होता है, वहां पे हमारे दो सिसेमोइड बोन प्लांटर रीजन में नीचे की साइड पे प्रेजेंट है, जो कि हमारा क्या कर रहे हैं, एनाटॉमिकल पुली का वर्क कर रहे हैं और साथ ही एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उन दोनों मसल्स के लिए, जिससे कि वो आसानी से अपने डिस्टल एंड तक क्या हो पाए, इंसर्ट हो पाए। तो यहाँ पे वही डायग्राम है, ये अपना मेटाटार्सल है, ये फेलेंजेस है, यहाँ दो सिसेमोइड बोन है जिसमें कि बीच में और साइड में ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बीच में इंटरसिसेमोइडल ब्रिज बना रहे हैं और साइड में, ठीक है ना, जिससे कि अपनी ये साइड साइड जो मसल्स जा रही हैं उनका नाम है फ्लेक्सर हिलिसिस लॉन्गस, और जो बीच टनल से ब्रिज से जा रही है उसका नाम क्या है, फ्लेक्सर हिलिसिस ब्रेविस, ठीक है ना। तो ये इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि सो इट क्रिएट्स टू पैसेज फॉर बोथ टू मसल्स, है ना। यहाँ पे पैसेज क्रिएट किए जा रहे हैं जिससे कि वो आसानी से मसल वहां से निकल सके। तो बिकॉज फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट हैव टू वियर मोर वेट, अब ऐसा यहीं पे क्यों ऐसा हो रहा है कि दो पैसेज बनाए जा रहे हैं, सिसेमोइड बोन यहीं पे क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट को ज्यादा से ज्यादा वेट को क्या करना है, वियर करना है, इस कारण से इसके नीचे दो सिसेमोइड बोन है और वहां से मसल्स आसानी से निकल रहे हैं, ठीक है। दीज टू मसल्स कैन गेट इन्फ्लामेट और इरिटेट, वही चीज है कि ये दोनों मसल इन्फ्लामेट हो सकती है बिकॉज ऑफ ओवर मच फ्रिक्शन के कारण। तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हमारे फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट के नीचे प्लांटर रीजन पे दो सिसेमोइड बोन है जो कि उसको क्या कर रहे हैं, सेफ पैसेज प्रोवाइड करा रही है, ठीक है ना। तो ये हमें समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंस क्या है सिसेमोइड बोन का, और सिसेमोइड बोन कहाँ होती है, अपने फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट के नीचे हो रही है, प्लांटर रीजन पे हो रही है ना, वहां से दो मसल निकल रही है, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से समझ में आ गया हमारा क्या मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट और अपना दूसरा क्या फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ क्लिनिकल कंडीशंस की, जहां पे दो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है फुट में। पहला तो है सिसेमोइडाइटिस, अगर ये जो सिसेमोइड बोन है ये बहुत ही ज्यादा ओवर फ्रिक्शन के कारण इन्फ्लामेट होते हैं, बार बार इरिटेट होते हैं, तो यहाँ पे हमारे बोन में नीचे की साइड पे मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट पे पेन काफी ज्यादा यहाँ पे पेन होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट के नीचे काफी पेन हो रहा है और इन्फ्लामेशन हो रही, तो बहुत ज्यादा चांसेस है किसके क्या होने के, सिसेमोइडाइटिस होने के, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी है मॉर्टन्स फुट, मॉर्टन्स फुट जो हमारे फर्स्ट टो के साइड में सेकेंड टो होता है, सेकेंड टो है ना, तो उसमें अगर उसकी लेंथ, यहाँ पे लेंथ की बात की जा रही है, अगर सेकेंड टो के हमारे लेंथ सेकेंड मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट की लेंथ फर्स्ट से अगर ज्यादा होती है तो यहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये लेंथ ज्यादा है तो ये ज्यादा वेट को क्या करेगी, वियर करेगी, और ज्यादा वेट को वियर करेगी तो इसमें फ्रैक्चर होंगे, क्योंकि उतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं जितना कि हमारा फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट है, फर्स्ट मेटाफेलिंग्स है ना, जितना सेकंड है उतना, मतलब सेकंड काफी ज्यादा कम है किसके बराबर, फर्स्ट के। तो अगर बड़ी लेंथ होगी तो ज्यादा वेट उसी पे आएगा, और ज्यादा वेट आएगा तो उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये था हमारा मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, और इसी के साथ हमारा एंकल जॉइंट बायोमैकेनिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। थैंक यू।